बिहार दरोगा के इससे पहले का वीडियो जो हम सिलेबस का डाले थे उसमें हम आपको पूरे हिस्ट्री के बारे में बता दिए थे कि हिस्ट्री में कहां कहां से आपका प्रश्न आने वाला है, और हिस्ट्री के आप अच्छे से देखा भी, और उसमें आप देखें कि हिस्ट्री के इन इन सेक्टरों से सवाल आता है। आज हम बात करेंगे आपका हिस्ट्री के बाद बिहार दरोगा के फिर किस किस सिलेबस का, तो ये भूगोल का, और दूसरा किसका बात करेंगे, पॉलिटी का मतलब राजनीतिक शास्त्र का। ये दोनों से आपका भूगोल से और पॉलिटी से भी बहुत भर भर के सवाल आपके दरोगा में देखने को मिलता है, समझे। देखिए एग्जाम का एक नियम है एसआई का, क्या नियम है से देखिए हम बता देते हैं। देखिए कभी कभी क्या हो जाता है एग्जाम में मतलब कि ये देखो देखने को ज़्यादातर मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा कि जो हिस्ट्री है आपका, उसके बाद क्या है पॉलिटी, उसके बाद क्या है ज्योग्राफी, ये तीनों आर्ट्स का बड़ा बड़ा सेक्टर है, और इन्हीं सेक्टर से सबसे ज़्यादा सवाल देखने को मिलता है। कभी कभी एग्जाम में हिस्ट्री का क्वेश्चन 17 से 18 दे दिया जाता है, नहीं तो पॉलिटी का 17 से 18 20 के करीब दे दिया जाता है, इससे 20 करीब को दे दिया जाता है, इससे 20 के करीब दे दिया जाता है। तो समझिए कभी कभी एक ही चीज़ से ज़्यादा 20 को सवाल आता है, इससे क्या हो जाता है 10 गो या 15 गो, इससे क्या जाता है 15। तो कभी कभी पॉलिटी से 20 गो आता है, नहीं तो कभी ज्योग्राफी से, नहीं तो कभी हिस्ट्री से। कहने का मतलब ये है तीनों में से किसी एक सेक्टर से कभी कभी सवाल ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मिनिमम सभी सब्जेक्ट से अगर बात करें तो मतलब ये तीनों से, मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मतलब 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कन्फर्म आते ही आते हैं। तो समझ में आपको आ गया। तो देखिए इसको हम बात करते हैं, और जितना भी आपका ये चैप्टर लिखा गया है इसको आप ध्यान से देखिए किस किस चैप्टर से आता है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। हो सकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसके साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करते चलेंगे। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आपको दरोगा बनना है, तो नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए समझिए भूगोल, भूगोल का कौन कौन सा चैप्टर है, तो भूगोल आप जानते हैं कि दो सेक्टर में बटा हुआ होता है, एक विश्व का भूगोल और एक भारत का भूगोल। तो आप जानते हैं किसी भी एग्जाम में भारत के भूगोल का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। तो देखिए विश्व भूगोल में कौन सा पहला चैप्टर है, सौर मंडल, जिसमें आप सभी ग्रह और उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं, जैसे जैसे मैं आपका हो गया पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद आपका और क्या आता है सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, ये सब के बारे में किसमें पढ़ते हैं सौर मंडल में। तो ये सौर मंडल से एक सवाल या दो सवाल कभी ना कभी देखने को मिलता ही है, ऐसे इधर एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है सौरमंडल से। उसके बाद देखिए रॉक, चट्टान, चट्टान से कंफर्म क्वेश्चन आना तय है, आता ही तो आता ही है। तीन तरह का आपका चट्टान होता है, अग्नेय, अवसादी और कैंत्रित, तो इससे कंफर्म आपका सवाल आते हैं। अगला देखिए पृथ्वी की संरचना, इससे भी सवाल आपको देखने को मिलता है, मतलब पृथ्वी का स्ट्रक्चर, जिसमें आप देखते हैं मैग्मा के बारे में पढ़ते हैं, और पृथ्वी का तीन तरह का पार्ट होता है, मेंटल कोर, सिया, सियालनी, फिर इसी में पढ़ते हैं। तो ये पृथ्वी का संरचना अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए महाद्वीप, आपको जानते हैं कि सात महाद्वीप या महादेश, सात जितने भी महाद्वीप है या महादेश, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है, समझे। उसके बाद देखिए स्थल रुद्ध देश, क्या आता है स्थल रुद्ध देश, लैंड लॉक कंट्री, ऐसे कंट्री जो चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए क्षेत्र है, उसमें आपसे पूछ देता है। तो स्थल रुद्ध देश से आपसे नाम पूछ देता है, तो सिर्फ आप ध्यान रखिएगा ऐसे देश जिसके जो स्थल रुद्ध में आते हैं। उसके बाद देखिए प्रमुख पवन, प्रमुख पवन मतलब देखिए एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर में उलट के देखिएगा, कभी कभी हरमट्टन पवन के बारे में, कभी कभी चिनुक पवन के बारे में, मतलब विश्व में जो पवन बहती है उसके बारे में आपको पूछ लिया जाता है। उसका देखिए ज्वालामुखी, क्या है आपका ज्वालामुखी, इससे भी पूछ लिया जाता है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये जितना भी आप चैप्टर देखे ये काफी आपको इम्पोर्टेंट मायने रखता है। और एक वायुमंडल, क्या सा वायुमंडल, ये देखिए आपका विश्व के भूगोल से इस तरह से प्रश्न आते हैं, और यहाँ से कम ही समय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ से आपको चार से पांच प्रश्न बनते हैं इतने सेक्टर से। समझ में आपको आ गया। अब देखिए अब जो 8 से 10 सवाल बनते हैं वो बनते हैं भारत के भूगोल से, तो इसको आप अच्छे तरीके से देखिए। पहला आपसे क्या पूछता है, भारत की स्थिति एवं विस्तार, मतलब भारत के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, समझे, ये आपसे पूछ लिया जाता है, जिसमें आप पढ़ते हैं कि भारत का मतलब पूर्व से पश्चिम का लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। भारत में कौन सा द्वीप कहाँ है, तो ये हो गया आपका क्या भारत का स्थिति एवं विस्तार। उसका देखिए हिमालय एवं प्रायद्वीपीय भाग, जैसा कि हिमालय और प्रायद्वीपीय भाग, अगर भारत के मैप की अगर बात करते हैं तो देखिए भारत की मैप आपका किस तरीका का है, इस तरीका का है। देखिए भारत की मैप, तो भारत के इस मैप में देखिएगा कि ये जो इंडिया का पार्ट है नीचे वाला, ये नीचे वाला पार्ट है क्या प्रायद्वीपीय भारत है, क्या प्रायद्वीपीय भारत, और ऊपर में जो आप देख रहे हैं इस एरिया को, ये आपका कौन सा हिमालय का एरिया। तो हिमालय आपका एक्चुअल में कितने भाग में बटा है, चार भाग में,
और उसका प्रायद्वीपीय भारत जो है बना हुआ है, ये पर्वत और पठार से ही बना हुआ है। तो इससे बहुत सारे सवाल आपको बनते हैं ये दोनों सेक्टर से। तो बहुत ज्यादा सवाल यहाँ से भी आपको देखने को मिलते हैं, हिमालय से, प्रायद्वीपीय भाग से, मतलब पश्चिमी घाट वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी, ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलता है। हिमालय में आपका चार तरह का हिमालय था, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका देखिए भारत के झील क्या है, भारत के झील जैसे लोकटक झील, ये झील आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा है, वेम्बनाड झील, ये सब कहाँ है, तो झील से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका देखिए भारत के प्रमुख दर्रे, आप देखिएगा कि 2446 के पीटी में आपसे जलैपला दर्रा पूछा गया है, समझे, उसके बाद लेटेस्ट एग्जाम में भी दर्रा पूछा जाता है। तो ये जो है ये एकदम रामबान है दरोगा के लिए, ये सब चैप्टर आपको कम्प्लीटली फुल्ली स्ट्रांग होना चाहिए, तो होना चाहिए, समझे। ये सब क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, इस प्रॉब्लम को हम भी सह चुके हैं। इसलिए आगे देखिए, नदी क्या है आपका, भारत की नदियां, जितने भी भारत की नदियां हैं, अब देखिए नदियां जो बहती है प्रायद्वीपीय भाग में ज्यादातर नदियां बहती है, इधर भी है आपका 2 से 3 फेमस नदियां, और इधर भी नदी है आपका, क्या देखिएगा तो इधर है गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसके बाद सिंधु के 5 नदी, सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज, ये सब, तो ये नदियों का देश भी हमारा भारत है। तो इसलिए नदी भी आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके उद्गम पूछ दिए जाते हैं, उसके बाद किस नदी का कौन सा मतलब मिलान, मतलब कौन सा नदी जाके मिलता है, ये आपसे पूछ देता है। उसके बाद देखिए भारत के परियोजनाएं, मतलब किस नदी पर कौन सा परियोजना बनाए गए हैं, ये आपसे प्रश्न पूछता है। भारत के जितने भी परियोजनाएं हैं, जैसे मैं देखिएगा तुलबुल परियोजना, कोनेद्वार, झेलम पर, इस तरह से हाल ही में क्वेश्चन आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे समझिए भारत की कृषि क्या है आपका, भारत की कृषि, भारत के कृषि में आपसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को आप उलट के देखिए, इससे भी प्रश्न आया है, जो हम आपको बता रहे हैं कन्फर्म आया है तो आया है। उसका देखिए भारत के मानसून, मानसून से देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून, उसके बाद वर्षा को लेकर पश्चिमी विक्षोभ भारत के किस क्षेत्र में होता है, या भारत में मतलब किस मानसून के कारण तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा देखने को मिलता है, तो ये मानसून से क्वेश्चन संबंधित पूछता है आपका, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया, समझे। उसका देखिए जनगणना सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, जनगणना, जनगणना से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं भर भर के, समझे, 102 प्रश्न जनगणना से हर हमेशा देखने को मिलता है, प्रीवियस ईयर को पलट पलट के देखिए आपको मिलेगा। उसका देखिए परमाणु संयंत्र, जैसे मैं देखिए कुडनकुलम, नरोड़ा, ये सब आपसे पूरा पूछा जाता है कि परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो परमाणु संयंत्र जितने भी है संरचना, सॉरी परमाणु संयंत्र होगा यहाँ पे, समझे, ये आपसे पूछा जाता है, समझे। तो इस तरह से आप देखिए कि सवाल जो है आपका ये भारत के भूगोल से यहीं से सेक्टर से पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको सभी के सभी सवाल पूछे जाते हैं, समझे। तो ये आपका हो गया, तो देखिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए भूगोल का, भूगोल को आपको इन्हीं चैप्टर पर सबसे ज्यादा गौर करना है, समझे। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटी का, किसका बात करते हैं, पॉलिटी का। तो पॉलिटी में देखिए पॉलिटी को हम दो सेक्टर बांट दिए हैं, एक इधर और एक इधर। तो देखिए पॉलिटी में क्या आता है, पॉलिटी में आपको पूछेगा संविधान एवं वर्क कमिटी, संविधान के कमिटी, जैसे मैं देखिएगा कैबिनेट मिशन आया, क्रिस मिशन आया, ये सब जो मिशन आया था वे संविधान के निर्माण के लिए ही आया था, तो इस तरह से हो गया। उसके बाद पूछता है आपका अधिनियम एक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1833 का एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1858 का एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब प्रश्न आपसे पूछता है, कन्फर्म पूछता है, प्रीवियस में देखिए आपको पूछता ही पूछता है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका देखिए संविधान के स्रोत, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब मान के चलिए आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, अमेरिका से, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया, रूस से, समझ नहीं समझे, मतलब प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, इस तरह के सवाल भी आपसे एग्जाम में प्रीवियस पूछे गए हैं और पूछा जाता ही है। उसका देखिए संविधान के, सॉरी संविधान के स्रोत आपका 2 बार लिखाया गया, समझे। उसका देखिए प्रमुख अनुच्छेद, मतलब जितने भी आर्टिकल है अनुच्छेद, ऐसे अनुच्छेद जो अनुच्छेद आप नहीं भी जानते हो वैसे को भी पूछा जाता है, तो अनुच्छेद आपको विस्तार से पढ़ लेना है। उसका देखिए प्रमुख समितियां क्या आपको समझना है, समिति जैसे मैं प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, समझे, लोक उपक्रम समिति, ये सब समिति भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। उसका देखिए कुछ कर से संबंधित समिति है तो इकोनॉमिक्स में आता है। उसका देखिए मौलिक अधिकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार से कन्फर्म दरोगा की एग्जाम में 1 प्रश्न या 2 प्रश्न आना एकदम तय रहता है, समझे समझे, तो मौलिक अधिकार। उसके बाद देखिए डीपीएसपी, डीपीएसपी का मतलब हो गया नीति निदेशक तत्व, इससे भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसका देखिए प्रमुख आयोग क्या है आपका, प्रमुख आयोग, जैसे मैं आयोग में देखिए नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, आयोग मानवाधिकार आयोग, इन सब आयोगों से भी प्रश्न आपको 1-2 देखने को मिल जाता है, मतलब 1 प्रश्न आता है इसे प्रमुख आयोगों से, तो ये कन्फर्म है। तो ये सब जो आप देखे ये सब आपका आता है किसे, जिससे आपको लॉजिकली पढ़ना पड़ता है, समझ नहीं समझे, उसका इधर भी पढ़ना पड़ता है लेकिन इधर समझना भी पड़ता है। तो देखिए अब क्या है, केंद्र में आपका होता है संसद, तो संसद में ही आपका क्या है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इससे भर भर के सवाल आता है, आपको समझ में आ गया। उसका देखिए
प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से भी सवाल आपके आते हैं, मतलब ऐसा प्रश्न आ जाता है कि कौन से प्रधानमंत्री रहे जो राष्ट्रपति के पद पर ही रहे, समझे समझे, इसी तरह से रिलेटेड प्रश्न प्रधानमंत्री से आता है। प्रमुख विधेयक क्या आ जाता है आपका, प्रमुख विधेयक, प्रमुख विधेयक में धन विधेयक, वित्त विधेयक, समझे, संविधान संशोधन विधेयक, इस तरह के विधेयक आपको देखने को मिलता है, तो इस विधेयक को भी आपको ऐसे करना है। उसका देखिए महान्यायवादी क्या है आपका, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी से आपसे पूछा जाता है। उसका देखिए नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग क्या है, नियंत्रण महालेखा कंप्यूटर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इससे भी आपको प्रश्न देखने को मिलता है। उसका देखिए विधानमंडल, अब केंद्र में आपका ये सबसे प्रश्न कन्फर्म देखने को मिलता है, तो इन सब चैप्टर पर आपका एकदम कमांड होना चाहिए, समझ नहीं समझे। उसका देखिए विधानमंडल, जिस तरह केंद्र में संसद होता है उसी तरह आपका राज्य में क्या होता है, विधानमंडल। तो विधानमंडल की अगर हम बात करें तो आपका लोकसभा की तरह यहाँ विधानसभा होता है, राज्यसभा की तरह यहाँ विधान परिषद होता है, राष्ट्रपति की तरह आपका राज्यपाल होता है। तो इनसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। आप तो विश्वास नहीं हम पे, ट्रस्ट नहीं है, तो आप जाके प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, समझे। इससे भी प्रश्न आते हैं तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है। उसका देखिए पंचायती राज क्या है आपका, पंचायती राज को आपको कंप्लीट करके जाना है। उसका देखिए संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन जो हुए हैं, संविधान संशोधन से कन्फर्म आपका 1 से 2 प्रश्न कन्फर्म आता ही आता है, समझ नहीं समझे। उसका देखिए आयोग तो हम बता दिए, तो देखिए ये पॉलिटी का सेक्टर हो गया, पॉलिटी का इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, समझ नहीं समझे। और आपका कौन हो गया, ज्योग्राफी, आपको लगता होगा कि सब आप तो बता ही दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जाके सिलेबस को देखिए, अगर पूरा पॉलिटी को देखिएगा तो उसमें बहुत सारा और भी है चैप्टर जो हम आपको नहीं बताएं, जो उससे प्रश्न नहीं देखने को मिलता है। उसका भूगोल में बहुत सारा ऐसे चैप्टर है जिसको हम नहीं लिए हैं, तो ये सब चैप्टर आपका कन्फर्म दरोगा के लिए बहुत सफिशियंट है, और इन सभी चैप्टर में आपका कमांड होना चाहिए, समझ नहीं समझे। तो एक बार फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम आपसे ये बात करेंगे कि ये जो है आपका, मतलब आपका हम क्या बता दिए, हिस्ट्री का पहले वीडियो में बता दिए हैं, दूसरे वीडियो में आपका क्या था, ये था आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी का, तो इन दोनों सेक्टरों में हम आपको काफी अच्छे से बता पाए। उसको देखिए इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, तो आप ये बताइएगा कि अभी आप सेट मार रहे हैं तो आपका मार्क्स कितना आ रहा है एसआई के सेट में, और देखिए हम इस पे आपका दरोगा के सेट का भी डिस्कशन कराएंगे, तो आप उसमें भी ज्वाइन कीजिएगा और अच्छे से सेट लगाइएगा। तो और देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लास्ट में आप सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करिए नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और इस कितना आपके लिए यूजफुल हुआ। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में जुड़ने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।